जान बचाओ, नशा छुड़ाओ, नशा छुड़ाओ, नशा छुड़ाओ, बोलो बोलो सबसे पहले आदाब। आज हमने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंज में एक रैली निकाली जिसका मेन टॉपिक है नशा मुक्त भारत। तो हम सब यही सीखते हैं नशा के हमें नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही हम पैसे वेस्ट करते हैं नशे पे और हमारी सेहत पे भी बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो माँ बाप को भी यही कहना चाहिए कि मतलब मैसेज देना चाहते हैं पेरेंट्स को कि बच्चों की पूरी इन्वेस्टिगेशन करें कि वो अगर एक्स्ट्रा पैसे लेके जाते हैं तो कहाँ कहाँ पर लगाते हैं, उनको पूरी जाँच करनी चाहिए। पूंछ के यूथ को यही मैसेज देना चाहते हैं कि नशे से जितना आप बच सकें उतना ही बचें और माँ बाप का पैसा भी वेस्ट मत करें और आपकी सेहत पे भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। सर, नशा मुक्त भारत पर पूरे देश में जो नशा मुक्ति की कैंपेन चल रही है और उसी सिलसिले में ये जो पूरा महीना है सितंबर का ये इसी सिलसिले में रखा है। हमने फर्स्ट डे भी जो है यहाँ पे प्लेज करवाई थी और इस वक्त हम डिफरेंट सम्पोजियम प्रोग्राम्स रैलीस और ऐसे राइटिंग और पोस्टर से हम इस वक्त जो युवा हैं हमारे नौजवान, जैसे आप देखते हैं बहुत सारी पुंछ में भी डेथ हुई है जो बच्चे नशे में इन्वॉल्व थे और बॉर्डर एरिया होने की वजह से यहाँ पर स्मगलिंग के बहुत सारे केसेस आए और यहाँ पर ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है और एक लोकल बिजनेस नेटवर्क है जो कि पुलिस कभी कभी उनको नैब भी कर रही है और वो रिपोर्टिंग आ रही है। तो हमने एक कंपेन स्टार्ट की है जो कि हमारे आनेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कंपेन है कि भारत को नशा मुक्त करना है और जवानों में एक बेदारी एक अवेयरनेस पैदा करनी है कि वो किसी किस्म के नशा पदार्थ जो है उसका प्रयोग ना करें, क्योंकि एक नशे से ये दूसरे में, दूसरे से तीसरे नशे में जा रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम ये नशा मुक्त कंपेन हम करते हैं और ये कामयाब हो जाए, हम नौजवानों को इस ड्रग्स की मैनेज से बचा सकें तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़े फ़ायदेमंद चीज़ होगी, क्योंकि युवा ही किसी देश की ताकत होते हैं। यही वो स्टेज है कि जिसमें बच्चों में एक एक्साइट होती है, कुछ अचीव करने की होती है। तो इस वक्त हमारा पूरा देश जो है वो नशे की ग्रिप में है, क्योंकि बॉर्डर एरिया से, जैसे आपको पता है, अफगानिस्तान से, वहाँ से इसके स्मगलिंग के केस हैं, हीरोइन और डिफरेंट किस्म के दूसरे जो नशे हैं उसमें हमारे बच्चों की जाने जा रही हैं। तो ये हमारा कंपेन थी, आज हमने सिटी में एक अवेयरनेस कंपेन की और तमाम बच्चों ने एक रैली निकाली है और उस रैली से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि नशे से बचा जा सके। देखिए सर, इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर यूथ जो है वो इन्वॉल्व हो रही है और यूथ का पेरेंट्स को पता नहीं, हमारे पास एक केस आया था जिसमें देखा कि वो बच्चा माँ बाप से पैसे लेके, ननियाल से पैसे लेके और पूरी तरह इन्वॉल्व था और जब बच्चा आंखें लाल की हुई रात आता है, बच्चा सो नहीं पाता है और बच्चे के बिहेवियर में चेंज है, उसके हाथों पर, पाँव पर या उनकी बाजू पर अजीब किस्म के निशानात पड़े हुए हैं, तो माँ बाप का ये फ़र्ज बनता है कि बच्चे को ऐसी हालत में आइडेंटिफाई करें, उनके साथ फ्रेंडली रहें, कोऑपरेटिव रहें, बच्चे के साथ मामलात शेयर करें और ऐसा कोई भी सिम्टम अगर आता है या उनको लगता है कि बच्चा कोई अपना फ्रेंड ग्रुप छोड़कर किसी दूसरे फ्रेंड ग्रुप में या बेवकत घर आ रहा है तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करें, बच्चे की इन्वेस्टिगेशन करें, डी एडिक्शन सेंटर बने हैं उनमें रजू करें और नौजवान बच्चों को। सर, अवेयरनेस रैली आपकी क्या चलती रहेगी आगे? ये सर पूरा मंथ लॉन्ग प्रोग्राम है और इसमें हम डिफरेंट स्कूल्स में जाएंगे, डिफरेंट पंचायतों में जाएंगे और वहाँ भी जाकर बच्चों में, पेरेंट्स में और जनरल पब्लिक में अवेयरनेस के प्रोग्राम करेंगे। सबसे पहले आदाब।
मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आजकल के नौजवान हैं वो ज़्यादा नशे में जा रहे हैं, तो नशे से बचने की कोशिश करें। उनके मतलब आपके माध्यम से हम उनके मतलब पेरेंट्स को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि अपने बच्चों को पहले चेक करें, उनका कोई सिम्टम देखें कि कोई नशे में जा तो नहीं रहा। उनको अगर मतलब घर से एक्स्ट्रा मतलब पैसे मांग रहे हैं तो देखें, जांच करें कि वो पैसे किस लिए मांग रहे हैं, उनका पीछा करें। तो क्योंकि आजकल की जो नौजवान हैं वो ज़्यादा नशे में जा रहे हैं, हर जगह से मतलब हर दिन न्यूज़ आती है कि आज वहाँ से इतने बच्चे पकड़े गए, आज वहाँ से इतने बच्चे पकड़े गए मतलब नशे के लिए। तो नशे से बचने की कोशिश करें। हमने पूरे बाज़ार में रैली निकाली, वो मतलब नशे से बचने के लिए सब लोगों को अवेयर किया गया। देखिए ये कंपेन इनफैक्ट JKUT और गवर्नमेंट ऑफ जो हमारा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है JKUT का, उनके तरफ से हमें डायरेक्शंस हैं और के एक मंथ लॉन्ग प्रोग्राम्स हमने जो नशा मुक्त भारत की कंपेन है वो चलानी है, जिसमें इस इंस्टीट्यूशन ने एक इनिशिएटिव लिया है। पिछले दिनों से जैसे आपने कहा कि हमने एक प्लेज सेरेमनी कराई, तो उसके बाद हम रैलीज जो है डिफरेंट, ताकि जो भी इंडिविजुअल कहीं पे इन्वॉल्व हैं नशे से, उनको एक मैसेज देना है कि दे हैव टू शेड दिस, जो नशे के बीच में घुसते जा रहे हैं जिससे बर्बादी हो रही है, उनकी फैमिलीज़ की बर्बादी हो रही है, उनके लिए एक मैसेज जो है कॉलेज की जो हमारे NSS का ग्रुप है, जो NCC के स्टूडेंट्स हैं और बाकी जो हमारी वॉलंटरी कॉलेज के डिफरेंट क्लब्स हैं जो वो हैं, वो एक मैसेज जो सेपरेट कर रहे हैं। इसमें हमने जो प्लान किया हुआ है, बिसाइड्स रैली के, हम एक पोस्टर मेकिंग कंपटीशन बच्चों के बीच में, क्विज कंपटीशंस, एक्सटेंशन लेक्चर्स और डिस्कशंस, ये जो पूरा एक मंथ में ये करवाएंगे। और जो हमारे हॉस्टल्स हैं उनमें जो बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है और बाकी जगहों पर जो बच्चे हम जो ऑर्फनेज हाउस हैं तो बाकी जगहों पर भी बच्चों को लेके जाएंगे, ताकि जहाँ जहाँ पर भी ये मैसेज हम सेपरेट कर सकें वहाँ पर इस इंस्टीट्यूशन की ये कोशिश रहेगी, ताकि इस सोसाइटी को जो जनरेशन है उसको इस नशे से मुक्त करने के लिए एक मैसेज दिया जाए।